इंदौर की कनाड़िया पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक कार से पुलिस को 22,80,000 रुपए जब्त किए हैं। इतनी बड़ी राशि को ठेकेदार अपने मजदूरों को वेतन बांटने के लिए होशंगाबाद लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी है। कोरोना संक्रमण के चलते लगे जनता कर्फ्यू में कनाड़िया पुलिस कनाड़िया रोड स्थित छोटा राजवाड़ा पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर चेकिंग कर रही थी। उस दौरान जब एक कार को रोका गया तो पुलिस को उसमें एक बॉक्स रखा दिखा। उसे खोलकर देखा तो उसमें लाखों रुपए नोटों की गड्डिया थी। पुलिस ने तुरंत तीनों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, जिसमें यह पता चला कि यह राशि बैंक से निकालकर ठेकेदार अपनी साइट पर मजदूरों को देने जा रहा था। फिलहाल इनकम टैक्स और पुलिस दोनों विभाग द्वारा राशि जब्त की गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। किसके पैसे थे, कहां से कहां ले जा रहे थे आप? बड़ा जोर से बोलो। ये पैसे आपके थे? कहां रख रखे थे इतने समय से आपने? ये काय के लिए लेते थे? काय के लिए ले जा रहे थे? बैंक से निकलवाए थे। क्यों? किसको? लेबर पेमेंट। तो आपका काम चलता है क्या? काय का काम है आपका? कहाँ साइट चल रही है आपकी? अच्छा, क्या करते हो आप? कंस्ट्रक्शन का ठेकेदारी करते हैं। क्या नाम है आपका? गजानंद कुमार। पैसे आपके ही पूरे? दरअसल यह है, आज सुबह लगभग 8:30 बजे का घटनाक्रम है, जिसमें हमारी टीम कनाड़िया रोड पर स्थित छोटा राजवाड़ा तिराही पर वाहन चेकिंग और संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। और इसी दौरान एक महिंद्रा क्वांटो वाहन रोककर जब चेक किया तो उसमें 22,80,000 रुपए की राशि रखी हुई पाई गई। उक्त राशि के संबंध में पूछताछ करने पर राशि के धारक गजानंद कुमावत, जो कि पालदा का रहने वाला है, वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। ऐसी परिस्थिति में उक्त राशि को जब्त किया गया है और प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि उक्त राशि होशंगाबाद के एक कॉलोनाइज़र की है, पूर्णेश शर्मा उनका नाम है। बाकी उक्त राशि के संबंध में अभी तक कोई समाधानकारक वक्तव्य एवं दस्तावेज गजानंद के द्वारा या जो धारक है उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हमने इस मामले को आयकर विभाग को भी संज्ञान में उनके संज्ञान में भी लाए हैं और अब आगे की इसमें अनुसंधान और जांच की कार्रवाई आयकर विभाग के द्वारा की जाएगी। इसमें वस्तुतः गजानंद कुमावत उस इस राशि का धारक है और उसी से हमने राशि जब्त की है। यह उनका मुनीम अपने आप को बताता है और उक्त राशि पूर्णे शर्मा, जो कि होशंगाबाद के हैं, उनको देने जाना बताता है। अभी यह नहीं कहा जा सकता, इस संबंध में अभी जांच जारी है और पूरे फैक्ट फाइंडिंग करके कार्रवाई करेंगे। कितने लोग हैं और भी पता है? अभी गजानंद के साथ उसके दो और साथी जो वर्कर हैं वो उस वाहन में सवार थे, उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। सर, कायम को छुपा के ले जा रहे थे ऐसा कुछ? उक्त राशि एक कार्टून में रखी हुई थी और वहीं से पुलिस के द्वारा हासिल। टोटल कितने आरोपी पता है सर? अभी इस प्रकरण में हमने गजानंद एवं उसके दो साथियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ के लिए रोका है। यदि हमें इसमें कोई अन्य ऐसे तथ्य पाए गए जिसमें संज्ञेय अपराध होना पाया तो हम वैसी कार्रवाई करें। पुरानी करेंसी तो नहीं कहीं और भी इसमें कोई शामिल, कोई पुरानी नोट तो नहीं? नहीं, अभी ऐसी बात सामने नहीं है। इन धारों पर जो राशि है वो हमने संदेह के आधार पर जब्त की है और बाकी फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि पुलिस संज्ञेय अपराध पाती है तो वैसी कार्रवाई करेगी और बाकी आयकर विभाग अपने स्तर पर संपूर्ण जाँच करेगी।